जैसे आपको मालूम है कि लद्दाख को जो डिविजनल स्टेटस मिला है आपका, उसके तहत आप डिविजनल स्टेटस को, एक तो दो चीज़ें हैं आपका हेडक्वार्टर जो है आप लेह में भी हैं, करगिल में भी हैं, तो इस कमेटी का जो मैंडेट था वो ये था कि डिविजनल कमिश्नर और आईजी को किस तरह से रोटेट करें, कितने दिन वो लेह में रहेंगे, कितने दिन वो करगिल में रहेंगे, एक तो वो इस कमेटी का मैंडेट है। दूसरा ये है कि जो डायरेक्टर्स आएंगे उनके साथ उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेह में कितना होगा, करगिल में कितना होगा, उस किस डायरेक्टरेट का कहाँ पे नीड है वो है, प्लस उनकी स्टाफिंग, उनकी लोकेशन वगैरह, इस कमेटी का मैंडेट था। तो आज लेह का दौरा ये लोग कर चुके थे, आज करगिल आए। करगिल में पहला जो इंटरेक्शन इनका हुआ वो काउंसिल के साथ हुआ, तो हमने जो है दो तीन पॉइंट्स पे इनको स्ट्रेस दिया। हमने ये कहा कि आईजी और ड्यूकॉम जो है वो कम से कम महीने में 15-15 दिन वो मूव होना चाहिए, 15 दिन लेह में, 15 दिन करगिल में, और विथ ए सेट अप रोस्टर, यानी कि 15 दिन फर्स्ट 15 डेज वो कहाँ रहेंगे, लास्ट 15 डेज वो कहाँ रहे, ताकि लोगों को उसके साथ कन्वीनियंस हो आपका, एक तो हमने ये कहा। दूसरा हमने ये कहा कि जो डायरेक्टर्स आप दे देंगे उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जिस किस डायरेक्टर के कहाँ पे नीड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे दूंगा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन अगर हम ले लेते हैं तो ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन लद्दाख के नाम पे ऑलरेडी ले में है कई सालों से, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टर भी वहाँ दे दें। तो हमारी ये डिमांड थी कि क्योंकि एजुकेशन ही, एजुकेशन के लिहाज से ले काफ़ी आगे, हम पीछे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टर एजुकेशन यहाँ होना चाहिए। इसी तरह दो तीन डिपार्टमेंट और है आपका, जैसे आपका टूरिज्म वगैरह है, तो ये सारे बातें हमने उनके सामने रखा जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स थे। उसके अलावा हमने दो तीन चीज़ और भी कहा, एक तो हमारा जो एयरपोर्ट का 200 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, हमने कहा कि ये सिर्फ सैंक्शन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द इसका पैसा हमें दे दें ताकि हम अप्रैल में इसका जो है काम स्टार्ट करें। दूसरा हमने बार बार इनको कहा, पहले भी कहा था इस कमेटी को, हमने ये भी कहा कि हम न किसी रीजन के खिलाफ है, ना हम किसी रिलीजन के खिलाफ है, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखा और कमेटी जो है उन चीज़ों पे काफ़ी कन्विंस हुआ, और हमें बिल्कुल 101% उन्हें एश्योरेंस दिया कि जो भी वो करेंगे बराबर इक्वल शेयर के हिसाब से करेंगे, और जहाँ जिसकी ज़रूरत है ये उन्होंने कहा। और दूसरा हमने कहा कि जो हमारे दो काउंसिल हैं आपके लेह में और करगिल में, इन काउंसिल्स जो को अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, यानी इनका जो भी जितने भी जो डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स आएंगे या ऑफिसर्स आएंगे वो भी जो हैं काउंसिल के अंडर होने चाहिए, जिस तरह से अभी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा, जो आज के डेट में हमारे डीसी साहब हैं, उसका रैंक जो है कम से कम सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, ताकि डायरेक्टर जो है उसके अंडर काम कर सके। ये दो चीज़ें हमने बहुत ज़रूरी कहा। दूसरा हमने कहा कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले या कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले लेह और करगिल के दोनों काउंसिल को प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स को आप लोग आपस में मिलाइए, ताकि हर चीज़ पे कंसेंसस हो सके। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आप SRO 1 से 10 की तरह नहीं होना चाहिए कि सडनली आप छोड़ देंगे, फिर बाद में फिर पीछे हटना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार भी हम बोलते हैं हम अगर ज़रूरत पड़े तो हम आप लोगों से बात करें। तो मुख्तसरन यही था, तो कमेटी यहाँ पे आई, और उसके अलावा हमारे जो ऑल पार्टी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उनसे भी वो मिले, उनकी भी उन्होंने राय ली, और मुझे अभी रास्ते में उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो ऑल पार्टी सभी लोग मिल के जो एक आवाज़ में बोला, बोलते हम उससे काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि सबका पर्पस एक है, मकसद एक है, बोलना एक है, तो एक वो है। उसके बाद इन्होंने इनका इंट्रोडक्शन जो हुआ आपका हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत से इशूज़ पर तबादले ख्याल किया और उनकी जो सारी डिमांड्स थी, उनके पॉइंट्स थे, वो हमने नोट किए। हमने सब स्टेक होल्डर से बात की, काउंसिल से बात की, ऑफिसर से बात की, डेलीगेशन से बात की, और हमने जो जो उनके पॉइंट्स किए सारे नोट किए। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत जगह है और इसका समर टूरिज़्म तो अच्छा है ही है, इसका विंटर टूरिज़्म समर टूरिज़्म से भी ज़्यादा अच्छा और अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। सर्दी के मौसम में करगिल में आने में एक अलग ही मज़ा है, और जो खूबसूरती है यहाँ की ये यूनिक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से यूरोपियन डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। बुलेट उठ जाओ सब मन गया गाड़ी में।
تب سے لے کر آج تک مادر وطن کے لیے جان کی مال کی اولاد کی قربانیاں دے کے دیتے آئے ہیں, یہ قوم آج تک دیتی آ رہی ہے اور دے بھی رہی ہے. تو اس قوم کو حکومت کی طرف سے جھولی میں محرومیت کے سوا کچھ نہیں ملی. اس لیے 15 دن پورے قوم, بڑے چھوٹے بچے, ماں بہن تو گھر میں تھے, باقی سب روڈ پہ آ گئے تھے. تو اس وقت ہماری زبانوں پر یہ جملہ تھا, باری تعالیٰ سے اللہ سے اپنے اللہ سے یہ کہہ رہا تھا, نوائے صبح گاہی نے جگر خون کر دیا میرا, خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے. ہم اس خطا کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے 72 سال کے اندر کرگل والوں نے کیا کیا تھا حکومت کے ساتھ, کہ اتنے اگنورنٹ ہیں, اتنے نظر انداز ہیں. 15 دن یہی کہتا رہا, آخرکار بات یہاں تک پہنچ گئی. تو سب آ کر جب رستے پہ آ گیا, جواب اوپر سے ہی آنے لگا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت اور پرواز مگر رکھتی ہے. تو الحمدللہ باتوں نے بہت اثر رکھی, راج بھون میں ہماری باتیں پہنچ گئیں. تو اس کے بعد میں یہ فیصلہ امیمن ہو گیا, اس میں کہا کہ ایس آر او 120 کے تحت دونوں اضلاع میں تقسیم ہوگا. جناب والا آپ کی علمیت میں ہوگی کہ لداخ کہنے سے 47 سے پہلے ڈوگرا راج ڈی سی سروس ڈی سی سروس
आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब भी हम लोग कारगिल में आए इससे पहले तो हमें इतना जबरदस्त वेलकम इस्तकबाल मिला जो हम हमेशा कई कई महीनों तक याद रखते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी हमें इज्जत मिली, मुस्तकबाल इस्तकबाल मिला। लेकिन जो उसके साथ साथ हमें मोहब्बत मिली वो इस बार कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा थी, और उसके लिए मैं और मेरी सारी कमेटी मेंबर्स जो हैं हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपके साथ आपके नए डिविजनल कमिश्नर साहब को लाए तो ये भी एक मुबारकबाद है, और आपके नए डीसी साहब भी तशरीफ फरमा रहे हैं, और आपके पुराने डीसी साहब ने भी मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। हम इनके बहुत मशहूर हैं सर, एसपी साहब और डीसी साहब, तो हमें इसी चंद हफ्तों में चंद महीनों में इन्होंने जब करियर में ड्यूटी दिया बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से ड्यूटी दिया सर इन्होंने, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं इनके, और बहुत इन्होंने हमारे साथ दिया सर हर वक्त, आज ही नहीं हमेशा ये चिंता जो हमारे साथ रहा है। दो इलेक्शन कराया बहुत अच्छा, पब्लिक के साथ डेरिंग भी बहुत अच्छा था। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है इनको और एसपी साहब को ये श्रेय जाता है, ये क्रेडिट जाता है कि इनकी प्रेजेंस में आज की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, और मुझे उम्मीद है कि नए डीसी साहब जो आए हैं ये जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जगह आपसे और पॉलिटिकल बेनिफिट्स लीजिएगा, रादर हम एक प्रोफेशनल तरीके में डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और बशीर साहब ने जो फरमाया मैं अभी कहना चाहता हूँ कि हमारी इस कमेटी का जो आगाज हुआ है उसका मकसद ही आप लोगों की बहनों में पोखर उसका पर्पस ये है, उसका मकसद ये है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सरकार ने फैसला लिया है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कायम करने का उसको अमली जमा करना है, और मैं अपनी कमेटी की तरफ से आप सबको ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वायदा करता हूँ दैट वी विल बी एब्सोल्युटली फेयर एंड जस्ट, हम इंसाफ करेंगे हर एक, और मैंने लेह में भी यही कहा और आपको भी यही कहता हूँ, और मैं छिपा के नहीं कहता, मैं ओपनली कहता हूँ, आपको अपना हक मिलेगा, उनको अपना हक मिलेगा, और इस पूरी डिवीजन को अपना हक मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, और बाकी तो एवरीथिंग जो है उसका एक उस सब जो है हमें ताबून करें, अगर जरूरत पड़ी हम दोबारा तबादले ख्याल करेंगे, और ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ना हम किसी बायस के तहत काम करेंगे, ना हम किसी प्रेशर के तहत काम करेंगे, हमारी समझ से जो हमें लगेगा जस्ट फेयर इक्विटेबल वो हम करेंगे, और उसमें आपकी काउंसिल और लेक की काउंसिल दोनों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। यू कैन रेस्ट आप कमिटी से यही उम्मीद हमें हो सकती है, और इस मीटिंग के फौरन बाद हम एक ऑफिसर्स की भी मीटिंग करेंगे, उसका मकसद ये है, उसका पर्पस ये है कि जो चीजें शायद हमें दूर रहने के कारण नहीं मालूम है, क्योंकि हम सब सेक्रेटेरिएट के अफसर हैं, हमें आपके लोकल ऑफिसर से वो चीज समझ आए, आपकी मुश्किलात लोकल ऑफिसर से समझ आए, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डू ग्रेटर जस्टिस। मेरी उम्मीद ये है कि डिविजनल इंतजामिया तैनात होने से यहाँ पे डेवलपमेंट तो आएगी ही आएगी, लेकिन इस पूरे एरिया में एक भाईचारा बनेगा, इस पूरे एरिया में जो आपकी कॉम्युनल हारमोनी है वो और मजबूत।
क्यों? क्योंकि जो निसब डायरेक्टोरेट्स हैं उनसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ के लोग ले जाएंगे, लेह के लोग कारगिल आएंगे। जब आप लोग ले जाएंगे तो वहाँ पे दो दिन बैठेंगे, खाना खाएंगे, मुलाकात करेंगे, दफ्तर में जाएंगे, और जब कारगिल के लोग, जब लेह के लोग कारगिल में आएंगे तो यहाँ डेरा करेंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, आप सबके साथ मुलाकात करेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, तिजारत बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, डिस्कशन बढ़ेगी, और उस प्रोसेस को आप लोगों ने मजबूत करना है। ये जिम्मेवारी मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम लिविंग ऑन यू, बिकॉज ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, ये आपको करना है। हर एक गेस्ट को वेलकम कैसे करना है, यू नो हाउ टू डू इट बिकॉज आप हमें वेलकम करते आ रहे हैं, लेकिन दिस वेलकम मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी। दिस वेलकम मस्ट एक्सटेंड टू ईच एंड एवरी पर्सन हु विल कम टू करगिल एज पार्ट ऑफ दिस न्यूली एस्टैब्लिश्ड डिवीजन। ये मेरी आपसे इल्तजा भी है, मेरी आपको हिदायत भी है, और मेरी आपसे उम्मीद भी है। और जब मैं अगली बार आऊंगा, श्योरिटी देंगे सर, 100% शुक्रिया। जब मैं अगली बार आऊंगा और हमारी कमेटी अगली बार आएगी तो हम इस चीज पे अमल देखना चाहेंगे। हमारी तरफ से वायदा ये रहेगा, हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी। वी विल इंश्योर दैट जस्टिस इज डन टू यू, वी विल इंश्योर दैट यू गेट द डायरेक्टोरेट यू नीड, वी विल इंश्योर दैट पोस्ट आर क्रिएटेड, एंड वी विल इंश्योर दैट दीज डायरेक्टोरेट फंक्शन प्रॉपरली, पीपल आर सेट हियर। इसमें टाइम लगेगा। देखो मैं आपको सब्जबाग नहीं दिखाऊंगा कि आज हम गए कल चकाचक काम हो गया, ये आपको भी समझना। इसमें वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, शायद सब अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, ये किश्तवाड़ के पहले डीसी थे, ये आपको बताएंगे कि जब किश्तवाड़ का डीसी का डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ तो पहले दिन दो ही अफसर थे, एक डीसी और एक एसपी, फिर दूसरे दिन एक डीसी आ गया, एक एडिशनल डीसी आ गया और एक एसपी आ गया, लेकिन धीरे 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 करके आज इट हैज बिकम ए फुल फ्लेज्ड। तो आपको भी सबर रखना है, लेकिन जो भी होगा इंसाफ होगा, आपको अपना हक मिलेगा, और जैसे आपने फरमाया आपकी महरूमियत नहीं रहेगी। पूरे मुल्क को इस चीज का एहसास है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। द एंटायर कंट्री, हमारी एक जंग का तो नाम ही कारगिल की जंग है, एंटायर कंट्री नो से है ना। और जो आपकी मुश्किलात है, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वी आर अवेयर ऑफ दैट, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जोजिला का तो टेंडर भी हो गया था, प्रधानमंत्री ने उसका फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात आ गई हैं, उन मुश्किलात को भी हम दूर करने में लगे हैं। आपके एयरपोर्ट की मुश्किलात को हम दूर करने में लगे हैं। इत्तेफाकन एंड हैप्पीली सो, योर सेक्रेटरी लद्दाख अफेयर्स इज आल्सो योर सेक्रेटरी टूरिज्म, सो ही विल हेल्प इन योर टूरिज्म आल्सो, ही विल हेल्प इन लद्दाख अफेयर्स आल्सो। सो मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन भी है कि हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। So I wish you the best of luck. I thank you, and I promise and assure you that we will do the best. Thank you so much. ब्रॉड कंट्रोल उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन सेक्रेटरी साहब अगर किसी भी ऑफिसर से भी स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली जितने भी सिक्योरिटी हेड्स हैं सर, हमने यहाँ उनको बुला के रखा है, अगर आप चाहें तो उनसे एक बार में इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा टाइम होगा, कुछ नहीं। सो सर जैसे आप बोले वैसे ओपन हाउस। My dear colleagues, a change in the way that administration has traditionally happened in this division. Pehle Leh and Kargil districts were part of Kashmir division, but now we have a separate division. And this is the reason that this committee, which comprises myself, Shahid Saab, Secretary Revenue, Sheetal Nanda Ji, Secretary Rural Development, and Yaqub Saab, DG Budget, is all here. Mm.
my first question would be, is there any department which has an office higher than a district office? मान लो कोई department ऐसा हो जिसमें जिसमें chief engineer हो या जिसमें director हो या joint director हो यहाँ पे करके कोई ऐसा office है? नहीं सर, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। हालांकि जो यहाँ पे एससी हो रहा है उसको चीफ इंजीनियर की पावर की। एससी कौन है आपके? एससी साहब नहीं है सर। एससी साहब नहीं है स्टेशन का। कौन है एससी आपके? सरवन सिंह। बट व्हाट डज ही लुक आफ्टर? He will look after the technical sanctions, administrative of department, R&B division and PHE irrigation flood control. दोनों divisions वो देखते हैं? हाँ सर, हाँ सर, और ये National Highway 301 का भी। National Highway 301 का भी देखते हैं। उनका parent department कौन सा है? R&B या PHE? Hydraulic sir. Hydraulic है। ये post hydraulic की है? हाँ सर, है ना? तो R&B की कितनी divisions हैं यहाँ पे? R&B की दो divisions हैं सर। दो divisions हैं। कौन-कौन सी? R&B division second और Thank you.